सच में फ्रेंड्स बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है, पर जाना पड़ेगा। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी देखिए फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट में पास्ता बना रही हूँ, क्योंकि छोटी के लिए स्पेशल पास्ता बन रहा है। पर वो बोली व्हाइट सॉस पास्ता, पर मैं बोली व्हाइट सॉस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं नॉर्मल पास्ता बना दी। और यहाँ पे कढ़ी बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट कर लिए थे तो फिर सोची चलो कढ़ी बना लेती हूँ, और भिंडी की सब्जी और चावल और रोटी, तो बस वही तैयारी कर रही हूँ। आफ्टरनून का टाइम है तो ये गुजराती कढ़ी है, क्योंकि मुझे खाना था, मुझे मतलब जो अपने इधर का ना बिहारी कढ़ी मुझे पसंद है, पर बेटी को पसंद है गुजराती कढ़ी। तो मैं चलो बना देती हूँ, नहीं तो वो खाती नहीं। तो वो बना दी, भिंडी की सब्जी भी बना दी, और फ्रेंड सारा काम हो गया है। बिल्कुल काम क्लीन करके मतलब 4 बजे तक बिल्कुल रेडी कर लेना होता है। और इसके बाद से मुझे थोड़ा मंदिर जाना है, तो थोड़ा मैं घर से जल्दी निकल रही हूँ। और जब मंदिर गई तो यहाँ पे लगभग 5 बजने वाला है, तो गेट बंद था। तो मैं सोची चलो गेट बंद है तो बाहर से ही दर्शन कर लेती हूँ। पर जैसे ही आ रही थी ना, तो फिर वो पंडित जी होते हैं ना मंदिर वाले, तो वो आए और गेट खोले, तो फिर वहाँ पे मैं दर्शन भी कर ली। तो आप लोग भी भोले बाबा का दर्शन कर लीजिए। और ये वीडियो के लिए फ्रेंड्स शनिवार का है, तो मैं बोली कि चलो मंदिर होकर के आती हूँ। अभी फ्रेंड्स दर्शन करके आ गई हूँ। अभी क्या ना, यहाँ आ जाती हूँ तो अच्छा लगता है, पर घर से निकलने का मन नहीं करता है, सच में निकलने का मन नहीं करता है। और यहाँ आती हूँ तो फिर तो मुझे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी लगा लो तो भी फिर अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पे ना हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर पता नहीं क्यों जब घर से निकलना होता है ना, तो मुँह मेरा बनने लगता है। पर मैं क्या करूं फ्रेंड्स, यहाँ आने के बाद अच्छा लगता है, घर से निकलती हूँ तो अच्छा नहीं लगता, तो क्या करूं। कोई साथ में होता है ना आने जाने के लिए, तो अच्छा लगता है। के लिए आ गए हैं, तो मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ क्योंकि मंदिर चली गई थी। दादी, हाँ ये दादी बोल रही है, बुढ़िया का खींच लो, पूजा कर रही है। हाँ आ रही थी ना, तो मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो वो दादी है ना, तो बोल रही है मेरा भी फोटो ले लो, तो सब लोग पूछेगा कि ये बुढ़िया कौन है। तो मैं बोली ये पार्क वाली दादी हैं, ऐसा बोल के फिर बोल रही है फ़ोटो दिखाओ कैसा है। वो दादी अपना फ़ोटो भी खिंचवाई और देखी। और फ्रेंड्स जब मैं आ गई थी पार्क में, तो शाम का खाना तो मैं रेडी करके गई थी डिनर, तो ये बेटी मंगवाई है बर्गर और आइसक्रीम, तो मैं बोली खा लो, वो अपने लिए लाई थी। हमारा तो फेवरेट कढ़ी चावल है और भिंडी की सब्जी, तो वही सब खाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये आज का क्लिप है, यानी मंडे का है, तो सब्जी वगैरह भी ले आई और हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए और काम भी करने के लिए आए थे, तो वो लोग काम भी कर रही थी। और फिर क्या ना कि संडे ब्लॉग डालना था, इस वजह से मैं संडे ब्लॉग डाली, तो सैटरडे वाला क्लिप रह गया था, तो मैं सोची आज ऐड कर दूँ। और एक्चुअल में मुझे सुबह से ही मतलब कल से ही थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, पर कल तो फिर भी किसी तरह से निकल गया, रात में सो भी नहीं पाई, नींद नहीं आ रही थी, और आवाज़ थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो बहुत मतलब हेडेक जैसा लग रहा है, और प्लस बॉडी पेन बहुत है। तो मैं तो बोली आंटी मैं मसाज कर दूँ क्या, तो मैं बोली कर दो, तो कर रही है। और वो मसाज वगैरह तो कर दी, फिर भी क्या ना कि अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ हल्का फीवर सा आ गया है, पर अभी मैं थोड़ा सा दवा ले लूँगी। पर क्या है ना, ये ब्लॉग जैसे बड़ा था, फिर मैं सोची इतना एडिट करने में नहीं बन रहा है, क्योंकि बात करने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं सोची चलो वीडियो क्लिप डाल देती हूँ और कुछ कट कर लेती हूँ, और साथ में फिर ओवर वॉइस करके मैं वीडियो ये कंप्लीट कर दूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा वीडियो भी मोबाइल में होता है, तो पता ही नहीं चलता है कि आज का है कल का है, तो इस वजह से, और स्पेस की भी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, जिस साथ में सोची थी कि ऐड कर दूँ रेसिपी, मगर थोड़ा साथ में बड़ा बन रहा है, तो इसलिए मैं रेसिपी कट कर दी हूँ फ्रेंड्स, इसलिए नहीं दिखा पाई, शेयर नहीं की, वो मैं बाद में कर दूँगी। क्योंकि वो रेसिपी के साथ में वीडियो बना रही थी, तो ये लगभग 10 से 11 मिनट का जा रहा था, और मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि साथ में वीडियो एडिट करूँ और सब कुछ बताऊँ, तो ये ब्लॉगिंग था, तो पहले से मैं बोली चलो इसको कम्प्लीट कर देती हूँ। तो वही अब हम बना रही हूँ, यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, यानी अब काम मेरा सब खत्म हो गया है। और ये कल लाए थे ईयरफोन, संडे को ही लाए थे, तो कल मैं सोची आज इसको भी दिखा दूँ। सैमसंग का है, काफ़ी अच्छा है, 499 का है। तो क्या होता है ना, जब मोबाइल यूज करते हैं ना घर में सब लोग, तो फिर होता है कि वॉइस कम करो, वॉइस कम करो, इसलिए मैं बोली ईयरफोन ज़रूरी है।
तो इसलिए आया फ्रेंड्स, क्योंकि कभी वीडियो वॉच करो ना तो म्यूट करके सुनना पड़ता है, और पहले का जो था वो खराब हो गया। हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज बहुत लेट हो गया है और बज गए हैं 12:10। तो मेरा सब कुछ हो गया, पर जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। सुबह लाइट ब्रेकफास्ट तो लेती ही हूँ चाय के साथ, पर अभी जो बनाई हूँ तो उसको खा लेती हूँ जा करके, फिर बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। और क्योंकि काफ़ी देर भी हो रहा है क्योंकि थोड़ा शैम्पू करके नहाना और ये सब घर का काम, तो थोड़ा लेट हो गया। और थोड़ा लेट क्या, वो थोड़ा बहुत मोबाइल के चक्कर में भी लेट होता है, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आदमी काम ही करता रहे। पर क्या है कि फोन में भी रहती हूँ ना, जिसके कारण से भी देर हो जाती है। तो चलिए बने रहिएगा, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ होगा क्योंकि सवा 12 हो रहा है। और क्या है ना, एक्चुअल में तो हस्बैंड आजकल बॉयल सब्जी लेके जा रहे हैं, इस वजह से सुबह हो नहीं पा रहा है। और तो बेटी के हिसाब से फिर मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ जब वो खाती है गरम गरम। तो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है फ्रेंड्स, तो आप लोग भी आ जाइए, इसकी रेसिपी मैं बाद में शेयर करूँगी, बहुत ही ईजी है। अभी फ्रेंड्स कितने बजे हैं, 1 बज रहा है, पर मैं अब आगे का वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी है ख़राब बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ कि अब रेस्ट कर लूँ, तो वीडियो के एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड को शेयर भी करें। तो चलती हूँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर।